नमस्कार, वेलकम। I am Kartike of class 10th. I read in DGV school. My hobby is dance, playing cricket and singing. I love to dance very much. मैं जब भी कहीं भी जैसे कहीं भी जब मेरे को गाना सुनता हूँ जब मैं गाना सुनता हूँ कोई भी शादी वगैरह में तो मेरा डांस अपने आप मेरे पैर अपने आप चलने लगते हैं। मेरे को डांस बहुत पसंद है। मैं रोहतक शहर का रहने वाला हूँ और मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है। KKHD का पता मुझे टीवी से लगा था। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा इन्वर्टर बैटरी का रोहतक में ही काम है और मेरे दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा कार्तिकेय और छोटी बिटिया है भक्ति। बड़े बेटे को डांस का बहुत शौक है और वो बचपन से ही डांस करता है और उसने कई जगह पार्टिसिपेट किया है। तो हमें KKHD का पता चला था TV के द्वारा, उसके ऑडिशन हो रहे थे तो बच्चे ने ऑडिशन दिया और उसके 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं। वो अब ग्रैंड फिनाले में आ गया है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितनी मेहनत वो कर रहा है उसकी मेहनत का फल उसे मिले और वो पूरी मेहनत करके ग्रैंड फिनाले भी जीते और अपने और अपने परिवार का और शहर का नाम रोशन करे। बस मम्मी मैं थोड़ा बोर हो रहा था तो इसलिए सोचा कि थोड़ी डांस की प्रैक्टिस कर लूँ फाइनल के लिए। बेटा थोड़ा सा पहले पढ़ाई करो, एग्जाम करो और फिर डांस करना अच्छी तरह से। ठीक है मम्मा, सॉरी मम्मा। ठीक है बेटा। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है। मैं कार्तिकेय की मदर हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, कार्तिकेय जो 10th क्लास में है और बेटी भक्ति जो 6th क्लास में है। कार्तिकेय को डांस का बचपन से ही बहुत शौक है और उसने कई पार्टिसिपेट भी किए हैं, स्कूल फंक्शन में भी और अदर जहाँ भी इसको डांस प्रोग्राम का मिला है मौका, इसने वहाँ जीता भी है और इसने पार्टिसिपेट भी किया है। ये अब 10th क्लास में है, इसके लिए पढ़ाई काफ़ी
वो है जरूरी इस समय, लेकिन ये फिर भी डांस को बहुत ही ज़्यादा महत्व दे रहा है इस समय और इसने कई जगह पार्टिसिपेट किया है और हम यही चाहते हैं कि KKHDA में इसने पार्टिसिपेट किया और हम ये चाहते हैं कि ये विनर बने KKHDA का। ये शैतानी भी करता है लेकिन उसके साथ साथ इसका डांस बहुत ही बड़ा शौक है और ये इंटरेस्टेड है डांस करने में, तो मैं चाहती हूँ ये KKHDA में विनर बने। मैं भक्ति हूँ, मैं कार्तिके की छोटी बहन हूँ। ये बहुत अच्छा डांस करता है और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई भी करता है, लेकिन जब मेरे को अपनी स्टडी में इसकी ज़रूरत होती है तो ये मेरी हेल्प भी करता है। ये मेरा बहुत प्यारा भाई है। इसने किसने किस में कितना है दम शो में पार्टिसिपेट किया है, वो टीवी पे भी आया था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि ये डांस में उस शो को जीते और ये बहुत आगे तक जाए और बहुत अच्छा डांस करे। ऑल द बेस्ट। मेरे को गाने सुनने हैं, मेरे को गाने सुनने हैं, देखिए मुझे गाने सुनने हैं, मुझे अपने फिनाले के लिए गाना सिलेक्ट भी करने हैं। मैं एक दिन ऐसे ही टीवी देख रहा था तो मुझे पता लगा कि KKHDA नाम का एक प्रोग्राम हो रहा है जिसके ऑडिशन देने के लिए मैंने सोचा। उसके ऑडिशन दिए और मैंने अपनी बहुत मेहनत से उस शो के लिए डांस तैयार करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा सेमीफाइनल में सिलेक्शन हो गया है और अब मैं फाइनल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैं फाइनल भी जीत जाऊँ और अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ। धन्यवाद। सिंह कार्तिक मेरा पोता है और डांस में इसकी बहुत ज़्यादा रुचि है। हमने कई जगह देखा है, इसका बहुत अच्छा डांस है और इसने जाट कॉलेज में डांस किया था जहां इसे फर्स्ट प्राइज मिला था। हम चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े और इसको हम जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो सहयोग करेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। मेरा नाम लीलावती है जी और ये मेरा पोता है। इसका डांस में बड़ा मन ज़्यादा डांस करने का है, इतना पढ़ाई में भी कम है, डांस में ज़्यादा है। और ये पहला दुर्गा भवन में डांस कराया था, वहाँ जीत कर लाया था ये और हम तो ये पढ़े लिखे सही, पर मेरा पोता है और पड़ोसिया ने भी इसकी वाह वाह करी थी। अब भी बड़ा डांस करता है, अच्छा मन लगता है इसका डांस में। ये डांस करने में मतलब सक्षम है और इसका काफ़ी मतलब वो है, डांस करने में रुचि है और ये पूरा दम लगा देता है और फिर भी दम लगाने के बाद भी ये चाहता है कि मैं डांस करता ही रहूँ। कई जगह हमने इसका डांस देखा है, जैसे पहले भी और उनके स्कूल से भी इसको मतलब चुना जाता है, जहाँ भी कहीं डांस का प्रोग्राम होता है वहाँ चुना जाता है और वहाँ जाता है तो ये बड़ी मेहनत से डांस करता है और कई जगह से 2-3 इनाम भी लेके आया है और डांस करने में ये पूरी तरह सक्षम है, समर्थ है।
डॉक्टर सुमन सैनी, डीजीवी स्कूल में पिछले 9 वर्षों से हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। आज मैं आपको अपने विद्यालय के प्रतिभावान छात्र कार्तिकेय शर्मा के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। कार्तिकेय की गणना मेरी कक्षा के सर्वाधिक मेधावी छात्रों में होती है। कार्तिकेय शर्मा एक ऐसा प्रतिभावान विद्यार्थी है जो खेल के साथ साथ नृत्य, गायन और शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहता है। कार्तिकेय जहाँ कहीं भी, जिस भी विद्यालय में, जिस भी गतिविधि के लिए गया है, वहाँ से कोई ना कोई पुरस्कार प्राप्त करके ही विद्यालय में आया है। और ऐसे मेधावी छात्र की कक्षा संचालिका होने पर मुझे गर्व है। मैं समस्त डीजीवी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कार्तिकेय शर्मा का कॉकिस में कितना है दम प्रतियोगिता के फाइनल्स में सिलेक्शन होने के लिए, और आशा करती हूँ, मेरी ईश्वर से ऐसी कामना है कि कार्तिकेय शर्मा नित नई उन्नति के सोपानों को छूता हुआ आगे बढ़े। और मेरा शुभाशीष और आशीर्वाद समस्त डीजीवी परिवार का आशीर्वाद कार्तिकेय के साथ हमेशा ही रहेगा, और कामना करती हूँ कि वो विभिन्न क्षेत्रों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का, परिवार का, अध्यापक गण का, अभिभावक गण का, सभी का नाम रोशन करता रहे। धन्यवाद। सक्षम, तेरे को पता है वो कार्तिक किस में कितना है दम उसके ग्रैंड फिनाले में खेले सेलेक्ट हुआ है? नहीं, मैंने तो वही नहीं सुना। बहुत अच्छा डांस करता है वो। नहीं, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, वो टीवी में मैंने भी देखा था। मैंने शायद वो मिस कर दिया। यू मिस समथिंग। बहुत अच्छा डांस करता है वो। सारे हाँ, देखना चाहिए था वो। हाँ, हर अच्छा डांस। हम चाहते कि तू ही जीते। बेस्ट ऑफ लक। That he came in the finale of Kisme Kitna Hai Dam, and I hope that he will win, and this is a proud moment for whole the DJ, for whole DJ family. मेरा नाम देव अरुण है, क्लास में पढ़ता हूँ। कार्तिक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और ये मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, सब में कोई ना कोई प्राइज़ लेके आता है। और मुझे बहुत प्राउड है कि मेरा दोस्त उस ग्रैंड फाइनल में सिलेक्ट हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये जीत के आए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सरांश है। कार्तिक मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मैं इसके साथ बचपन से पढ़ता भी आ रहा हूँ, और ये डांस में भी बहुत आगे निकल चुका है। मुझे लगता है कि ये आगे जाकर फिनाले भी जीत जाएगा। किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम, कार्तिके में है दम, कार्तिके में है दम, कार्तिके में है दम। ऑल द बेस्ट।
नमस्कार, मेरा नाम सनी है, मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ। मेरी डांस एकेडमी का नाम है नवरसा डांसिंग वर्ल्ड, जो कि सिलेक्शन हुआ है कार्तिके का किस में कितना है दम। डेफिनेटली वो जीतेगा और जीत के ही वापस आएगा। KKHD के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मिस्टर वरुण बंसल का बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम जैसे कलाकारों को इतना अच्छा और बढ़िया मंच प्रदान किया, जिससे हम अपनी कला द्वारा आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।